हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जब आप फ्री ऐप्स को यूज करते हैं तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, जैसे में कि स्ट्रीम इंडिया, पिकास वेब, और पिकास वेब की तरह बहुत सारा ऐप जब उसे यूज करते हैं तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है मेन टाइम पर, जब किसी चीज को देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस सभी प्रॉब्लम का मैं समाधान लेके इस वीडियो में आ गया, और मैं कुछ तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके की मदद से काफी हद तक सुविधा मिलेगी और काफी हद तक आपकी समस्या से निपटारा हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ बिल्कुल ही वर्क करेगा, आपका जो ऐप है, जो फ्री ऐप है, वो अच्छे से चलेगा। तो चलिए, बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अपने भाई का नाम। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित टेक ट्यूटोरियल। तो भाई साहब, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया लेटेस्ट का वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। चलिए, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं जाना होगा मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कोई भी ऐप वर्क नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग को एक से दो सेटिंग को करना है और उसके बाद बहुत ही आसानी से वर्क करने लगेगा वो ऐप, चाहे वो पिकास ऐप हो, चाहे वो स्ट्रीम इंडिया ऐप हो। दोस्तों, होता क्या है कि जो ऐप फ्री एप्लीकेशन होता है भाई साहब, जो हमेशा अपडेट होता रहता है, तो आप लोग अपडेट नहीं करते हैं, इस कारण से वर्क करना बंद कर देता है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि दोस्तों, जो आपके पास पहले से पुराना ऐप है, यानी जो भी ऐप वर्क नहीं कर रहा है, जो पुराना हो चुका है, यानी कि अपडेट आ गया और आपने अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, पुराने वाले एप्लीकेशन को, जो भी जिसमें भी वर्क नहीं कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, उसी एप्लीकेशन को करना है, ना कि पूरा एप्लीकेशन ही साफ कर दीजिएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, जो वर्क नहीं कर रहा है उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है और वापस से उसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे यदि आपके पास पिकासो वर्क नहीं कर रहा है तो पिकासो को डिलीट कर दीजिए, स्ट्रीम इंडिया वर्क नहीं कर रहा है तो उसे डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद यदि दो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर दोनों एप्लीकेशन का लिंक दिया, एक एप्लीकेशन ही डाला गया है और एक एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला काम आपको यही करना है, उसके बाद करके एक काम आप लोग देखिएगा, और उसके बाद भी वर्क नहीं करता है दोस्तों, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे हेल्प मांग सकते हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि दोस्तों, जब आप पिकासो ऐप को या चाहे स्ट्रीम इंडिया ऐप को या कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट करके वापस इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाने के बाद सबके मोबाइल में सेटिंग का ऑप्शन रहता है, तो उसे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ा सा करके आना है, यहाँ पर आपको एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऐप सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन मौजूद है वो सभी एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और जो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल कर लेने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या करना है कि उसी एप्लीकेशन को आपको सिंपली सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके खोल देना है। तो जैसे दोस्तों, आप लोग का समस्या रहता है पिकासो ऐप, स्ट्रीम इंडिया ऐप, ऐसा वगैरह वगैरह ऐप जो है फ्री एप्लीकेशन ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो उसी एप्लीकेशन को खोल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर पिकासो ऐप को खोल लेता हूँ, तो यहाँ मैंने पिकासो ऐप को खोज लिया, कुछ इस तरह से देखने को मिल गया। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज एंड कैच का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर से इसका स्टोरेज जो है इसको क्लियर करना है, कुछ इस तरह से जैसा मैंने किया। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो आप पिकासो में जितना भी डाटा वहाँ पर यूज किए होंगे, जितना भी चलाए होंगे, वो सभी यहाँ पर स्टोरेज करके बना हुआ रहता है, जिसे क्लियर कर देने से दोस्तों पूरा साफ हो जाता है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और आप फिर से यूज करेंगे तो सही से वर्क करने लग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों सेटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि उसके बाद भी वर्क नहीं करता, यदि कोई भी परेशानी होती है, नहीं चलता या ना ओपन होता है, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपको सभी समस्या का हल कर दूंगा। भाई साहब, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो जाने से पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए।